सो वंस अगेन वेलकम बैक टू दी चैनल गाइस, अच्छेन रेक्सवाल आज आपके लिए एक और वीडियो लाए। और भाई आज अपने पास एक और ग्रैंड विटारा रखी है। जैसे कि एक ग्रैंड विटारा में ऑलरेडी वन इन इंडिया काम चल रहा है, जो कि आज तक किसी विटारा में नहीं हुआ। इसकी वीडियो भी आप देख सकते हो मेरे चैनल पे। बाकी एक और ग्रैंड विटारा अपने पास आ रखी है, और ये हालांकि बेस टू ये डेल्टा है। मैं डायरेक्टली आपको बता दूँ, थोड़ा सा अपर वेरियंट है, लाइक मिड वेरियंट है, बट स्टिल क्या क्या चीज़ें इसमें नहीं हो रखी है और क्या क्या चीज़ें आप एक्स्ट्रा करा सकते हैं, कस्टमाइजेशन करा सकते हैं, वो चीज़ें मैं आपको दिखा देता हूँ। और बिना कस्टमाइजेशन में कैसी लगती है गाड़ी, वो भी आप देख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे अपनी ग्लॉस ब्लैक की गार्निश लग जाएगी, वो बहुत ही अच्छी लगती है। हेडलैम्प्स पे देखो, ये मैट ब्लैक है, रफ ब्लैक है। इस पर आपकी क्रोम गार्निश लग जाएगी या आपकी ग्लॉस ब्लैक गार्निश लग जाएगी, तो वो भी काफ़ी अच्छी लगती है। ये कस्टमाइजेशंस बता रहा हूँ अभी मैं आपको, और जो कस्टमाइजेशंस इसमें हो रही है वो भी मैं आपको बताऊँगा। बट अभी मेन चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि नॉर्मली गाड़ी आपकी कैसी दिखती है और क्या क्या कस्टमाइजेशन आप कराएंगे तो उसमें कितनी ज़्यादा एनहेंस हो जाएगी। ORVM गार्निश आपकी लग जाएगी क्रोम में, डोर ग्लाइडिंग यहाँ पर लग जाएगी क्रोम प्लस ग्लॉस ब्लैक में ये सारी। और अपनी आप रूफ रेल्स लगवा सकते हो, दोनों ही अपने पास अवेलेबल है, OEM वाली भी और आफ्टर मार्केट वाली भी। हालांकि देखने में दोनों सेम है, बट OEM में बॉडी में होल होंगे चार और जो आपकी आफ्टर मार्केट है वो पेस्ट होती है, बट देखने में दोनों ही सेम है। और उस पर अपनी अभी रूफ रेल्स लग रही है, OEM वाली लग रही है उसमें। बाकी उसी के साथ साथ इसमें लाइक जैसे कि मैंने बताया, आप क्रोम ORVM गार्निश लगा सकते हो, ये लगा सकते हो। आफ्टर मार्केट के डोर वाइज़र्स हैं, अगर आप ओरिजिनल डोर वाइज़र्स लेते हो तो पहले तो उसमें ये ऐसा डिज़ाइन नहीं आता, उसमें अच्छा डिज़ाइन आता है जैसे कि मैंने आपको दिखाए हैं उस वाले में। बाकी की आप मेरी वीडियो चेकआउट कर सकते हो, और वो यहाँ पे भी कवर करता है। तो भाई इतनी महंगी गाड़ी जब आप ले रहे हो तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अच्छे डोर वाइज़र्स आप लगवाएं। बाकी आप डिग्गी गार्निश लगवा सकते हो क्रोम में, जो यहाँ पे लगती है, और उसी के साथ साथ आप रियर बम्पर प्रोटेक्शन गार्निश भी आप लगवा सकते हो, जो आपकी यहाँ पे लगेगी, बहुत ही अच्छी लगती है भाई वो। लाइक वो जो ट्रेंड है ना, वो ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं हाई एंड कार से कॉपी किया गया है, लाइक फॉर्मेटिक एंड ऑल। फॉर्मेटिक में वो आता है जो कि यहाँ पे आपकी गार्निश लगी रहती है, और वो बहुत ही अच्छी भी लगती है। वो स्टील में है, मैं आपको पहले ही बता दूं, मेटल है वो, स्टील में है पूरी की पूरी, और वो आपकी यहाँ पे लग जाती है। और यूज़फुल भी बहुत है कि लाइक आपका यहाँ से पेंट ख़राब नहीं होगा, और देखने में भी काफ़ी अच्छी लगती है। बाकी ये तो हो गई भाई कुछ जैसे कि आपकी ओरिजिनल। बाकी आप एम्बियंट लाइट लगवा सकते हैं K3 एंड K4 में, जो कि आपकी यहाँ पर लग जाती है, डैशबोर्ड पे लग जाती है, और 18 पीसेज में आती है, जो आपकी यहाँ पे भी लग जाती है, वहाँ पे भी लग जाती है। वो बहुत ही एक अच्छा एटमोसफेयर देती है। ये पैनल आप लेदर रैप करा सकते हैं, लाइक ये पैनल नहीं, पूरी कार आपकी इंटीरियर हो जाती है, जिसमें आपके ये वाला पैनल और ये वाला पैनल दोनों ही आपके क्या कहते हैं, लेदर रैप हो जाते हैं। ये आप पूरा चेंज करा सकते हैं, OEM में चाहोगे OEM में करा सकते हैं, या आप नॉर्मली चाहते हैं तो आफ्टर मार्केट भी आपका हो जाएगा। तो दोनों ही ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। साथ साथ अभी जो इसमें काम हो रहा है, वो इसमें काम हो रहा है भाई सीट कवर्स का। जैसे कि इसमें नॉर्मल फैब्रिक अपॉल्स्टी आती है, और ये भाई देखो अभी ये वाले सीन्स इसमें हो जाते हैं, देख रहे हो आप, ये आई थिंक इंक वगैरह लग गई है इसमें कस्टमर के एंड से। तो ये अभी मैं आपको पूरा प्रोसीजर भी दिखा दूंगा कि कैसे कैसे बकेट सीट्स इसमें लगती है और कैसी लगने के बाद वो कैसी लगती है। बाकी यहाँ पे इसमें वेलकम लाइट भी लग रही है, ये चीज़ आप देख रहे हो, ये आप देखो भाई पूरा का पूरा। जैसे कि कुछ कुछ लोगों को क्या होता है कि एक वो होता है ना कि कार से इतना वो नहीं होता है, वो इतना केयर नहीं करते कैसे चढ़ना है कैसे उतरना है। तो ये देखो कितनी स्क्रैचेस है, ये आप देखो भाई, तो ये बहुत ज़्यादा। तो इसमें आप वेलकम लाइट लग जाएगी तो वो आपका ये प्रोटेक्ट भी कर देती है, और उसमें लाइट भी आती है उसमें, ये दोनों ही ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। ये आपका प्रोटेक्ट भी हो जाती है और उसमें लाइट भी होती है।
तो भाई जैसे कि अपने ग्रैंड विटारा में सीट कवर्स लग रहे हैं, ये वाले सीट कवर्स लग रहे हैं जिसमें नॉन डॉटेड वाले होते हैं, बाकी अपॉल्सी वो सेम ही है। और भाई इसमें मैं आपको दिखाता हूँ कितना हैवी ये सीट कवर है। ये देखो भाई, इसकी पहले मैं आपको कुशनिंग चेकआउट कराता हूँ। ये देखो भाई, इसमें इतनी हैवी कुशनिंग कर रखी होती है हमने। ये देखो, तो ये तो अपने ये देखो भाई कितनी हैवी कुशनिंग है। उसके बाद भी हालांकि फॉर्म होता है बट उसके बाद भी हम इतनी हैवी कुशनिंग इसमें करते हैं। ये देखो भाई, प्रॉपर कुशनिंग इसमें होती है। और इसमें बकेट होती है, बकेट के चैनल से। ये देखो, ये स्ट्रिप है ना, ये बकेट की चैनल है। एक बार हटियो इसको भाई, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ बकेट कैसे होती है। ये देखो, ये कुछ ऐसे बकेट होती है, इसमें अंदर एक वायर टाइप का होता है जिससे पूरी की पूरी लग जाती है और ये पूरी बकेट हो जाती है। आपकी जो अंदर की सीट्स है वो बिल्कुल की बिल्कुल ऐसी ही सेम रहती है। देखो भाई, ये आपकी नॉर्मल सीट है जो है, जो इसमें नॉर्मल अपॉल्सी लग के आई है। जस्ट उसकी स्टिचिंग को कट करके और जो उसकी बकेट होती है वहाँ से जो आफ्टर मार्केट जो आप सीट कवर्स लगाते हैं वो इसमें कनेक्ट हो जाते हैं। और अभी जैसी ये चढ़ेगी इसमें भी भाई आप देखो कितनी हैवी कुशनिंग है। ये देखो, बाकी अभी जैसी ये चढ़ती है तो तब मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, यहाँ पे पूरी बकेट आ गई, यहाँ पे पूरी बकेट आ गई। तो ये इसमें एक चैनल टाइप का होता है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। बाकी अभी जब नेक्स्ट सीट होगी उसमें मैं आपको दिखाता हूँ भाई। और आप पूरी की पूरी एक बार फिटिंग देखना, कितनी प्यारी फिटिंग आती है इसमें। ये देखो भाई, कोई रिंकल नहीं रहता है, एज टू एज कोई रिंकल नहीं रहेगा इसमें। तो भाई कुछ ऐसी अपनी जो स्कफ प्लेट है वो कुछ ऐसी लग जाती है इस पर ग्रैंड विटारा की, यहाँ पे बैजिंग आ जाती है। और ये देखो भाई, यहाँ पे कोई अब आप अगर आपका पैर लगेगा ना तो इस पर लगेगा, इस पर नहीं लगेगा। तो कोई स्क्रैचेस वगैरह नहीं आएगी, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था कि स्क्रैचेस वगैरह आ रखी थी उस वाले पैनल पे राइट साइड पे। तो इस पे कोई अभी स्क्रैचेस वगैरह नहीं आएगी, जो भी आएगी आपके इस पे आएगी, नीचे आपके पेंट नहीं छूटेगा। तो ये इसलिए बहुत यूज़फुल होती है। बाकी इसमें लाइट भी जलती है, जब आप डोर खोलोगे तब इसमें लाइट जलती है और काफ़ी अच्छी भी लगती है। ग्लॉस ब्लैक होती है अभी इस पे ना, ये मैं आपको एक बार छुटा के दिखा ही देता हूँ। ये कुछ सीन्स है भाई, ये आप चेकआउट करो। तो भाई ये आप देखो, पूरी की पूरी जो फिटिंग होती है वो पीछे से आप एक बार फिटिंग चेकआउट करो। पूरी की पूरी फिटिंग ऐसी आती है जैसी आपकी OEM फिटिंग होती है और बिल्कुल वैसी लगती है जैसे आपके OEM वो लगते हैं बिल्कुल। ये देखो, खींच के पूरा का पूरा पैनल लग जाता है, नीचे लॉक्स लग जाते हैं। ये देखो, ये लॉक्स लग रखे हैं इसमें, पूरे लॉक्स वगैरह लग के पूरा फिट हो जाता है। और अब मैं आपको इसकी फिटिंग भी दिखा देता हूँ, ये आप चेकआउट करो। पीछे करियो इसे और थोड़ा पीछे का वो करना, उठाओ उसे। हाँ, तो भाई ये आप चेकआउट करो, कोई आपको कहीं भी कोई रिंकल वगैरह कुछ नज़र नहीं आएंगे। ये आप देख लो, इस वाले एज पे, इस वाले एज पे, यहाँ पे आप देख लो, ये पूरा को पूरा बकेट लगता है इसमें। और नीचे भी उसी के साथ साथ मैं आपको दिखा देता हूँ भाई, यहाँ पे कोई आपको रिंकल नज़र नहीं आएगा, कोई रिंकल आपको यहाँ पे नज़र नहीं आएगा। ये पूरा देखो, ऐसे ही ये पूरा बकेट हुआ है, ये और ये वाला पोर्शन पूरा बकेट हुआ है। अभी जब दूसरी सीट और करेंगे तो उसमें भी मैं आपको दिखाऊंगा पूरा का पूरा बकेट जो होता है। तो भाई जो अपनी कुछ सीट्स बकेट बनती है वो कुछ ऐसे बनती है, ये वाला पोर्शन इसका कट जाता है जहाँ पे बकेट होता है और इसमें अंदर एक वायर होता है जो कि इस वायर से लॉक हो जाता है। इसमें वायर लगते हैं ये वाले भाई, ये वाला वायर लगता है और ये वाला वायर उस वाले वायर से लॉक किया जाता है। यहाँ पे देखो भाई, ये यहाँ पे वायर है, ये रहा ये वायर है। और ये इसलिए आपकी सिर्फ इसकी स्टिचिंग कटती है और स्टिचिंग कटने के बाद इस लॉक से ये वायर, दोनों वायर को लॉक कर दिया जाता है आपस में, जो कि आपकी बकेट में बन जाता है। अभी जैसी ये फिटिंग होगी तो वो मैं आपको दिखाई दूंगा। तो भाई यहाँ पे अपना पूरा दो पैनल रैप हो चुका है, जैसे कि ये कलर है। और एक बार कलर आप जस्टिस कर लो, यहाँ पे सॉफ्ट टच मिल जाएगा आपको थोड़ा, जैसे कि ये आर्मरेस्ट होता है। और यहाँ पे आपको पूरा लेदर, आपको सीट कवर्स चेकआउट कराऊँ तो भाई ये कुछ सीट कवर्स की लुक है। ये देखो भाई, बीच में आपको डॉटेड वाले मिल जाएंगे वेंटिलेशन, जिससे कि वेंटिलेशन काफ़ी अच्छी होती है। पूरा प्रॉपर भाई, कहीं कोई रिंकल्स वगैरह कुछ नहीं दिखेगा आपको।
यहाँ पे आप चेकआउट कर लो, यहाँ पे भी आप चेकआउट कर लो, कोई आपको रिंकल्स वगैरह कुछ करो। और पीछे की सीट्स पूरी फिट हो चुकी है, आर्मरेस्ट लग चुका है, ये आर्मरेस्ट है, पूरा ब्लैक पोर्शन है, यहाँ पे डॉटेड वाली अपॉल्स्ट्री है, कहीं कोई रिंकल्स वगैरह कोई नज़र नहीं आएगा भाई इसमें आपको।